हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग, आप में से सभी कभी ना कभी कीबोर्ड का इस्तेमाल तो अपनी जिंदगी में कर ही चुके होंगे। तो आज का वीडियो इसी बारे में है, आपको पूरा बताएंगे कि क्या क्या प्रकार का कीबोर्ड मार्केट पे अवेलेबल है और कौन सा कीबोर्ड बेस्ट है, कौन सा कीबोर्ड चीपेस्ट है। साथ ही साथ अगर आपका कीबोर्ड में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और आपका कीबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। कीबोर्ड का इस्तेमाल तो बहुत जगह पे देखते होंगे, आपका कैलकुलेटर से लेके एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, हर एक चीज में। और अगर आप अभी भी एक कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोबाइल में भी कीबोर्ड होगा। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूजर है तो आपके लिए तो कीबोर्ड मस्ट है। तो चलिए आज कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। अब कंप्यूटर और लैपटॉप में जो कीबोर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम लगभग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड, दूसरा है आपका चिकलेट कीबोर्ड और तीसरा है मैकेनिकल कीबोर्ड। अब जो मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड है सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और आपका जो मैकेनिकल टाइप कीबोर्ड है ये सबसे महंगा है और सबसे प्रिसाइज है और सबसे पसंदीदा है गेमर्स और जो कि हेवी टाइपिंग करता है उन लोगों के बीच। और जो चिकलेट टाइप कीबोर्ड है ये खास करके आपका लैपटॉप पे इस्तेमाल होता है स्पेस बचाने के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड का, जो कि आपको मार्केट में 500 से 1000 रुपए के बीच बहुत ही अच्छा मिल जाता है, साथ ही साथ वायर और वायरलेस दोनों भाषा में मिलता है। लेकिन मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड चीपेस्ट तो है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि प्रोफेशनल लोगों के लिए इसका जो क्लिकी फीडबैक है नहीं मिलता है और इसका प्रेसिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा प्रेस करना पड़ता है। साथ ही साथ ये उतना एक्यूरेट नहीं है और उतना स्पीड नहीं दे पाता टाइपिंग का। साथ ही साथ गेमिंग करते हैं अगर आप तो उतना ज्यादा डेटा ट्रांसफर स्पीड नहीं दे पाता मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड। और आपका जो फीडबैक है कि आप अगर कुछ चीज टाइप कर रहे हैं वो फीडबैक आपको नहीं मिल पाता, जो कि मैकेनिकल कीबोर्ड में मिल जाता है। मैकेनिकल कीबोर्ड थोड़ा महंगा आता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये बहुत ही अच्छे से रेस्पॉन्स टाइम देता है। साथ ही साथ आप जो टच कर रहे हैं आपको फीडबैक मिलता है, फिजिकल फीडबैक और एक क्लिक के साउंड मिलता है, जिसके लिए बहुत सारा लोग दीवाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड के, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है और कैसे काम करता है आपका मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने पड़ा है एक वायरलेस मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड। आज करेंगे हम इसका ऑपरेशन और दिखाते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज मिलता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको इसका बैक पैनल पे जाना है और बैक पैनल पे आपको कुछ स्क्रूज मिलेगा, इस स्क्रूज को आपको खोलना है। इस स्क्रू को आप बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा देर आप स्क्रू खोलना देखने में क्यों बर्बाद करेंगे अपना। जैसे आप सारे स्क्रू खोल लेंगे अब बहुत ही आराम से इस कीबोर्ड का बैक पैनल को हटा सकते हैं, और बैक पैनल को हटाने के बाद आपको जो दिखने के लिए मिल जाएगा, हम बैक पैनल को थोड़ा साइड कर देते हैं। बैक पैनल हटाने के बाद आपको सबसे पहले इस तरफ एक सर्किट बोर्ड दिखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वायरलेस है तो इसी सर्किट बोर्ड में एक ट्रांसमीटर है जो कि यहां से डेटा वगैरह रिसीव करके ट्रांसमिट करता है आपका सीपीयू तक। साथ ही साथ इसका की कैसे काम करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस पे आपको ऐसे तीन लेयर मिलेगा और ये जो डॉट्स आपको दिख रहा है ये एक एक डॉट एक एक की के लिए असाइन है, और इसके बीच पे एक पॉलीथीन मिलेगा जो कि सेपरेटर है, और इधर एक मिलेगा जो कि की कैप्स के साथ अटैच्ड है और इसपे भी एक एक पॉइंट है। तो अभी काम कैसे करता है, जब आप अपना कीबोर्ड से किसी भी की को प्रेस करते हैं और की प्रेस करते साथ ही ये जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाला जो कॉन्टेक्ट लेयर है, एक कॉन्टेक्ट लेयर आपका नीचे वाला लेयर के साथ बीच वाला जो पॉलिथीन फिल्म उसपे जो होल है उस होल के थ्रू आके कॉन्टेक्ट करता है। जैसे आप किसी भी की को प्रेस करते हैं तो की के इधर वाला जो कॉन्डक्टिंग पोर्शन है वो कॉन्डक्टिंग पोर्शन बीच वाला फिल्म का होल से होते हुए
पीछे वाला फिल्म का जो कंडक्टिंग पोर्शन है जो कि पूरा अलाइन है उसके साथ टच होता है, और जैसे ही इसके साथ टच होता है एक स्विच के तरह एक कनेक्ट कर देता है, और इसका जो सिग्नल, ये सिग्नल जाता है आपका सर्किट बोर्ड तक। अब देख पाएंगे कि बहुत ही बारीक वायरिंग है इस पे जो कि एम्बेडेड वायरिंग है, और ये सारे वायरिंग आके टर्मिनेट हो रहा है आपका ये वाला सर्किट बोर्ड के पास, मतलब आपका सर्किट के पास। अभी जब आप किसी भी की को प्रेस करते हैं तो कौन सा की आप प्रेस किए वो सर्किट बोर्ड को पता चलता है। उसके बाद आपका सर्किट बोर्ड अगर वायर है तो वायर के थ्रू आपका सीपीयू को बताते हैं, या फिर आपका कीबोर्ड वायरलेस है तो वायरलेसली ट्रांसमिट करता है डेटा, और उसी हिसाब से आपका कंप्यूटर को पता चलता है कि आप कौन सा की को प्रेस किए। तो चलिए मैं बात कर लेता है, अगर आपका कीबोर्ड कभी खराब हो गया और उसका वारंटी भी खत्म है तो आप इसको कैसे घर में थोड़ा बहुत ठीक करने का कोशिश कर सकते हैं। देखिए फैक्ट तो ये है, ये जो मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड है ये बहुत ही जल्दी खराब होता है। अगर आप मैकेनिकल टाइप कीबोर्ड चुनेंगे तो लाइफ टाइम कीबोर्ड कहा जाता है मैकेनिकल टाइप कीबोर्ड को, मतलब आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा कीबोर्ड खराब नहीं होता है। लेकिन आपका जो मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड है अगर थोड़ा सा आपका हाथ से गिर गया या फिर इसका जो वायरिंग वगैरह है किसी भी तरह से टूट गया है, फिर इसके अंदर ऑयल या फिर वाटर इंग्रेस हो गया तो बहुत ही आसानी से खराब होता है। लेकिन आप इसको ज्यादा कुछ ठीक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके हाथ पे जो है इसके फिल्म के अंदर अगर कोई ऑयल या फिर वाटर डिपोजिशन है उसको आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर अगर इस फिल्म के अंदर डस्ट वगैरह आ गया जो कि इस कनेक्टिविटी को खराब कर रहा है आप उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं और इसको ऐसे फिर से वापस रख सकते हैं। अगर काम कर गया तो काम कर गया, नहीं तो नहीं किया। लेकिन कभी कभी ऐसा रहा कीबोर्ड में क्या होता है, इसका जो एक एक लाइन होता है पूरा लाइन का कंट्रोल एक वायरिंग से आता है आपका सर्किट बोर्ड तक। जब आपको खराब होता है तो देखेंगे आपके पूरा लाइन खराब हो गया। तो ऐसे में आप जो कर सकते हैं, देखिए आपका जो लाइन है के सर्किट बोर्ड पे कनेक्ट हो रहा है इसपे कोई सोल्डरिंग है नहीं, तो काम कैसे करता है सिर्फ और सिर्फ प्रेस हुआ है आपका सर्किट बोर्ड का कनेक्टर के साथ। तो कभी इसके अंदर अगर धूल आ जाए, मिट्टी आ जाए या फिर ये जो प्रेस का पावर कम हो गया तो आपका कीबोर्ड काम नहीं करता है। तो मेरा जो कीबोर्ड है इसका एक लाइन काम नहीं कर रहा है, तो चलिए इसको लाइव ठीक करने का कोशिश करते हैं। अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो छोड़ देंगे और क्या। उसके लिए आप पहले सर्किट बोर्ड से इस फिल्म को या फिर आपका जो मेम्ब्रेन है इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपके पास जो तीन स्क्रू है, इस तीन स्क्रू को खोलने के बाद आपका मेटल ब्रैकेट हट जाएगा और इसके नीचे आपको एक ब्रैकेट मिलेगा जो कि शायद रबर या सिलिकॉन का होगा। मैं कभी खोला नहीं इस कीबोर्ड को, तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, इसके अंदर एक रबर जैसा मटेरियल का या फिर सिलिकॉन जैसा मटेरियल का एक लेयर है जिसको हमको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के बाद ही आप सर्किट बोर्ड के पास, सर्किट बोर्ड के साथ जो आपका मेम्ब्रेन का कनेक्शन है आप देख पाएंगे। देखिए कोई सोल्डरिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कनेक्टेड है। तो बहुत ही इजी है कि आपका जो लाइन खराब है उस लाइन का अगर किसी सर्किट में या फिर वायरिंग यहाँ पे आके सही से प्रेस नहीं हो रहा है या फिर इसके अंदर धूल जमा हुआ है, तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद इसको फिर कनेक्ट करके देखते हैं कि कितना काम करता है कितना नहीं। अब इसको क्लीन करने के लिए किसी भी एक फाइन क्लॉथ या फाइन टिश्यू के साथ थोड़ा सा अल्कोहल भिगा के क्लीन कर सकते हैं, और अभी तो कोविड के टाइम सबके घर अल्कोहल है तो ज्यादा कुछ टेंशन है नहीं, तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद कोशिश करते हैं कि थोड़ा काम कर जाए। ऐसे तो मैं नया कीबोर्ड खरीद लिया, काम नहीं करेगा अभी तो चलेगा, लेकिन अगर कर गया तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसको हम जितना क्लीन कर सकते थे कर लिए, अब इसको लगाते हैं वापस और देख लेते हैं अगर ये मेरा कीबोर्ड काम कर गया। लगाने के टाइम ध्यान रखिए कि ये जो आपका रबर कैपिंग है ये सही में लगना चाहिए, नहीं तो आपका कीबोर्ड का जो कनेक्टिविटी है सर्किट बोर्ड के साथ बाकी का मेम्ब्रेन का वो कनेक्टिविटी सही से आपको नहीं मिलेगा। अब इसको लगाने के बाद इसके ऊपर जो स्टील का परत था या फिर स्टील का जो ब्रैकेट था उसको भी लगाना है आपको। उसके लिए आप ऐसे सिर्फ प्रेस कर दीजिए और थोड़ा सा प्रेस करने के बाद आपका जो स्क्रू था उस स्क्रू को लगा दीजिए। हम इसको जितना ज्यादा कस सकते कस देंगे, क्योंकि इसको अगर आप लूज छोड़ेंगे तो आपका सर्किट के साथ आपका कीबोर्ड का कनेक्शन हरगिज नहीं होगा, तो आपको कसना है इसको। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि कसते कसते आप तोड़ मत दीजिए। इसको हम पूरा ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये काम नहीं किया तो इसको हमको फेंकना ही है, क्योंकि ऐसा जो मेम्ब्रेन वाला कीबोर्ड है
इसका काम करने का चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि ये रिपेयरेबल उतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप की वगैरह रिप्लेस नहीं कर पाएंगे मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह। अब जब कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्लीन करके फिर से इसको लगा पाएंगे। तो चले मैं कीबोर्ड को अकेले जोड़ लिया, अब इसमें जान डालते हैं। जान डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा एक बैटरी। तो मैंने जैसे इस पर बैटरी डाल दिया, आ गया लाइट। चलिए आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के तरफ, ताकि आप देख पाए जो हम टाइप कर रहे हैं वो ले रहा है कि नहीं। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो टाइपिंग है ऊपर वाला रो का बिल्कुल नहीं हो रहा है, बीच वाला रो बहुत ही आसानी से टाइप हो रहा है, लेकिन नीचे वाला जो रो है इसका टाइपिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कीबोर्ड है बेकार, तो खराब हो गया, इसके आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एक नया कीबोर्ड लेना है, अगर नया कीबोर्ड लेना ही है तो कोशिश कीजिए कुछ महंगा सा ले या फिर मैकेनिकल सा ले, क्योंकि मैकेनिकल में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, प्रेशर वगैरह साउंड वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आशा करता है कि आपको पता चल ही गया होगा कि मेम्ब्रेन वाला कीबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज रहता है, साथ ही में कैसे काम करता है, और अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा दिक्कत होगा तो आप कैसे घर में इसका ट्रैवल शूट कर पाएंगे अगर वारंटी से बाहर है तो, क्योंकि इसका गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आप इसका ट्रैवल शूट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन वाला कीबोर्ड है बहुत ही नॉन रिपेयरेबल टाइप का होता है। चलिए मैं मिलता हूं आपसे इसी चैनल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाला घंटी बटन को भी बजा दीजिए।